हेलो गाइस, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में बात करेंगे, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी। इसमें क्या बातें होंगी, तो इसमें कुल कितने पद आने वाले हैं, इसकी क्या योग्यता होगी, और शेष भारत एवं बीएड तथा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट्स था, तो मुझे बेसिकली उन्होंने मैसेज किया था कि सर थोड़ा सा आप वीडियो बना दीजिए। तो मैंने कहा चलो भाई इसमें वीडियो बना देते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बार जो स्टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और उनके लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है 2.0 आने वाली है, तो उसको रिगार्डिंग मैं डिटेल वीडियो बना देता हूँ। साथ ही साथ जो नए व्यूवर्स हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर जो भी नई वैकेंसी आती है उसका फुल डीएनए होता है। साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम हो जाते हैं बिहार सरकार या फिर किसी भी एग्ज़ाम का, उसके पेपर का डिटेल एनालिसिस हम लोग करते हैं डीएनए विद देयर सॉल्यूशन। उसके साथ ही साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दूँ कि हमारे इस चैनल पर बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए भी फ्री यूट्यूब बैचेज चल रही हैं। सो वैसे बच्चे जो इस दौर में जिन्होंने फॉर्म को भरा है और जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे यूट्यूब चैनल @ANExpertOfGSAllGuru से जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच को आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। देखिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की जो बात हो रही है, ये भर्ती जो है वो आपको इसी महीने, जी हाँ दोस्तों, 19 अक्टूबर तक ये इसका डेट जो है आने का, यानी ये 19 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा और अगले 9 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा, जैसे कि आयोग के तरफ से ये जो सूचना आई है, ठीक है। और इसका जो जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2 से 5 दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए आपके पास, तो दो से ढाई महीना आपके पास है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्स मांग चलते हैं 2 महीना। अब कुल पदों की बात होती है टीजीटी की, 9th-10th में कितने वाली हैं आने वाली है सीट। देखिए 9th-10th की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इसमें 18,000 9th-10th में, और 11th-12th जो है वो जो सीटें हैं पीजीटी की, उसमें भी 18,000 प्लस। अभी मैं प्लस क्या क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण है, सुनिएगा। प्लस कहने का कारण ये है कि आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने हाल ही में 4 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे उनको परमानेंट किया है, और उन टीचरों ने भी बीपीएससी का जो पहला टीआरई हुआ है, टीआरई का मतलब होता है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जी हाँ दोस्तों, जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है टीचर का, उसको टीआरई बोलते हैं, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो पहला हुआ है उसको भी भरा था। लेकिन बिहार सरकार ने उनको क्या किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे उनको ऐसे ही परमानेंट कर दिया उनके एक्सपीरियंस के आधार पर। सो वैसे टीचर अब तो ये टीआरई एग्ज़ाम पास करके भी, डॉक्यूमेंट करके भी ज्वाइनिंग करने वाले नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सीट खाली हो जाएगा, तो उस वो सीटें भी इसमें जोड़ी जाएंगी। तो 9th-10th जो है वो आपका क्या होगा, 9th-10th में आपकी सीटें बढ़ेंगी और 11th-12th में आपकी सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर बिहार सरकार की बात करते हैं तो वो और भी सीटों की अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी बढ़ा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर मेरे अनुसार से जो ये 18,000 है, ये 9th-10th में ये 25,000 हो जाएगा, और उसी तरह से पीजीटी का ये 25,000, कुल मिला के आपको 9th-10th 11th-12th 50,000 हो जाएगा, और 31,000 जो आपका 6th-8th है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें भी बढ़ा, मतलब आपको एक बहुत बड़ा बदलाव या फिर बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कुल मिला के मेरे अनुसार से कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसी है वो 25-25-50 इधर हो गया और उधर 30, यानी कुल मिला के अप्रॉक्स कर सकते हैं 80,000 से 90,000 सिक्स से लेकर के 12th तक टीचर की वैकेंसी आ सकती है। अब मेरे सामने बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चुनेंगे, क्योंकि इस बार वो स्टेट पास किए, उन्हें ये पता नहीं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चुनना है, स्पेशली टीजीटी वालों के लिए, यानी जिन्होंने पेपर 1 भरा है। तो देखिए टीजीटी वाले जो कि 9th-10th के लिए अप्लाई करेंगे वो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मान लो कि बच्चा एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहा है, उसे एसएसटी में टीचर बनना है, तो एसएसटी में कैसे अप्लाई करेगा, तो उसने स्टेट में अगर देखा हुआ फॉर्म भरा हुआ तो कोई भी उसके 2 सब्जेक्ट जो होने चाहिए वो होने चाहिए बैचलर डिग्री में। जैसे मान लो उसने या तो ज्योग्राफी पढ़ा हो या तो हिस्ट्री पढ़ा हो, अगर उसने बैचलर डिग्री में या तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी पढ़ा हो तो ये 2 सब्जेक्ट उसके होने चाहिए, तभी वो एसएसटी टीचर के लिए मान्य होगा। साथ ही साथ उसके बीएड भी उसकी होनी चाहिए, और बीएड होगा तभी तो वो क्या कर पाएगा, कहीं ना कहीं स्टेट का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ होनी चाहिए। बीएड सिर्फ एक में नहीं मांगता है, जो एग्ज़ाम आने वाली है टीआरई का, वो है कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके पास या तो बीसीए एमसीए या फिर बीसीए के साथ किसी भी अदर डिग्री में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ इस बार स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट क्वालिफाइड है, अगर बीएड नहीं भी है तो वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपके कुछ तमाम जानकारी दोस्तों, कि किस तरह से आप फॉर्म को देख सकते हैं, क्या इसकी योग्यता है, कुल कितने पद होंगे, और किस तरह से आपका टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो आपके रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बना दिया, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल @ANExpertOfGSAllGuru को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल
को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, जो भी इस टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए यूजफुल वीडियो होगा, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल @GSAllGuru को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।